दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आप सभी को पता है जैसे अभी लगभग 2 महीने से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन की वजह से हमें पता है कि काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी इसमें तकलीफ भी हुई है, बट इसका हमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। लॉकडाउन की वजह से जैसे पता है कि आप सड़कों पर अभी गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं चल रही, उसकी वजह से आप देखिए पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया। दिल्ली में जो आज हवा का लेवल है, शायद इतना पॉल्यूशन कम का लेवल शायद आज से 50 साल पहले रहा होगा, तो उतना अच्छा इसका एक तो लेवल हो गया पॉल्यूशन का। और साथ साथ में जो भी हमारी नदियाँ हैं, आप देखेंगे जैसे सरकार द्वारा बहुत सारी बीच में योजनाएँ चलाएगी, जिसके द्वारा यमुना नदी को साफ करने की बात हुई या गंगा नदी को साफ करने की बात हुई, बट उसका करने के बाद भी आप देखोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, मतलब उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के साथ जो 2 महीने का हम इसको प्रकृति को टाइम मिला अपने आप को डील करने का, इस बीच आप देखिए तो यमुना नदी या जो गंगा नदी या बहुत सारी जो भी नदियाँ हैं आप देखोगे तो बहुत अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उसको देख के आपको बिलीव नहीं होगा कि यह वही नई नदी है जो 2 महीने 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा गंदी रहती थी। तो आज मुझे इसी दौरान कहीं जाने का मौका लगा, और इस टूर के जब मैं गया था दिल्ली बाहर कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि इसका एक अच्छा छोटा सा वीडियो बनाऊं, तो ये आइए आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो, चलिए मेरे साथ आगे। दोस्तों अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे आ सकते हैं। बेसिकली जगह जब आप निजामुद्दीन से अक्षरधाम की तरफ जाएंगे, जो रोड है, जो हाईवे बना है मेरठ गाज़ियाबाद की तरफ जाता है, तो उसी हाईवे पे ये पड़ेगा। एक निजामुद्दीन का फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पे आप रुकेंगे, पुल पर रुकेंगे, तो उसके साथ ही आप रोक के यहाँ से ये व्यू देख सकते हैं।